नित्यानंद प्रभु की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। पितारी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञान निरंतरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और एक बार जोर से आप बोलो मैं सुनूंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे श्री गुरुपाद पद्म की। हाँ हरे कृष्णा। हम लोगों ने अभी अभी वैष्णव के मुखारविंद से बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुना नित्यानंद प्रभु का। कहते ये स्थान का नाम आपको पता है क्या है? बताओ तो कौन सा गांव में आए हो? एक चक्रा। और इसको साथ में इसका नाम है राड़ गांव। एक चक्रा और राड़ ग्राम। अभी आप लोगों ने श्रवण किया है ये स्थान का नाम एक चक्रा क्यों नाम पड़ा। आप लोगों ने महाराज जी बताए जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध में कृष्ण का प्रतिज्ञा था मैं महाभारत में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन भीष्म का क्या प्रतिज्ञा था? बोले तब मैं सांतन तनु कहां हूं जब हरि से अस्त्र कहां। अगर भगवान का हाथों से मैंने अगर अस्त्र धारण नहीं कर पाया तो मैं भीष्म नहीं, संतन का तनु नहीं, उसका संतान नहीं। इसलिए जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध में आज पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे छलांग लगा लगा करके, इतने बाण अर्जुन को ऊपर में प्रहार कर रहे थे, पूरा अर्जुन का शरीर खून से लथपथ हो गया। कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आ गया, क्यों? कृष्ण का प्रतिज्ञा है महाभारत युद्ध से पहले मां कुंती पांडवों को लेकर के आए। बोले कृष्ण मैंने ये पांडवों को तेरे शरण में दे रहा, तुम इसको रक्षा करना। कृष्ण ने कहा भैया अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा लेकिन ये पांडवों का एक बाल भी कोई बंका नहीं कर सकता है, ये कृष्ण स्वयं बताया है। अभी कृष्ण का प्रतिज्ञा है मेरे भक्तों का विनाश नहीं। लेकिन आज भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, कृष्ण को लगा ये तो होना हो आज मेरे अर्जुन को खत्म कर देगा। बोले ये आज ये बूढ़े को क्या हो गया, ये बूढ़ा आज छलांग लगा लगा करके, भीष्म पिता बूढ़े थे ना, छलांग लगा लगा कर पार मार रहा है। इतने में तो कृष्ण को इतना क्रोध आ गया, उन्होंने उठाया एक रथ का पहिया और लेकर के अर्जुन पकड़ रहा था, सुन नहीं रहे थे, लेकर के अर्जुन को मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने जब देखा कितना जस्य प्रभा प्रभवतो जगत दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधाति विभूति वीरनाम। कहते जिनकी एक इशारा पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, लेकिन आज वो भक्त के लिए अपना प्रतिज्ञा को उन्होंने त्याग दी। इसलिए जिसको देख करके पितामह भीष्म एकदम पानी पानी पितामह भीष्म हो गए और उनने धनुष को रख करके नीचे उतर करके प्रभु के चरण में गिर पड़े। हे प्रभु आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो, मेरी प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। भगवान चक्र उठा लिए थे, इसलिए भगवान को क्या बताया? बोले सत्यम व्रत सत्य परमत्रि सत्य सत्य सोनी निहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। इसलिए 33 करोड़ देवता कह रहे हैं जिनकी प्रतिज्ञा सत्य है, हाँ धाम सत्य भक्त सत्य प्रतिज्ञा जिनका सत्य है, लेकिन उनने चक्र उठाया ना वो भी सत्य होनी चाहिए। चक्र उठा लिया तो उसका तो सत्य है, उनका सब चीज सत्य वो भी सत्य होनी चाहिए।
लेकिन उनको पता था कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु यहीं पर जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए उन्होंने चक्र उठा दिया था, उन्होंने चक्र को मारा, फेंका। कहां पर? कहां पर फेंके? यहीं पर। कहां से फेंके? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र कितना दूर है, लेकिन वहां से चक्र फेंके तो गिरते गिरते यहाँ पर आया, इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? एक चक्र। इसका एक अर्थ है, बोले दूसरा अर्थ क्या है? बोले एक चक्र, हम कहते हैं ना चक्रवर्ती राजा, हम कहते ना ये एक चक्रवर्ती राजा है, इसलिए यहाँ पर किसने जन्म ग्रहण किया? श्री नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण किए। नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते ये संधिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवता, ये संधिन शक्ति जो भगवान को भी जो धारण करता है, हैं? अभी महाराज जी बता रहे थे ना, दस शरीर से भगवान की जितने सारे जो कुछ देखो, उनका व्यंजन पादुका वस्त्र सब कुछ कौन बने? श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु बने। इसलिए एक चक्र मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, ये संधिन शक्ति है ना, ये भगवान को जो धारण करती है आधार शक्ति, इसलिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो एक छत्राधिपति, मतलब इनके बगैर प्रभु की कोई लीला नहीं है, इसलिए भी एक चक्र। इसका दूसरा नाम है राणग्राम। बोले राणग्राम मतलब क्या होता है? बोले राण मतलब होता है जो ढ शब्द संस्कृत में, बोले ढलयो रलयो एकत्व बाची, मतलब ढ और र वो एक ही शब्द है संस्कृत भाषा में, इसलिए राण मतलब होता है राधा है, इसलिए राणग्राम मतलब है ये राधा ग्राम है। राधा ग्राम मतलब वृंदावन। राधा ग्राम क्या है? वृंदावन धाम, राधा जी का गांव, इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। पीछे कोई बोल नहीं रहे, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, इसलिए राधा जो ग्राम है कहती है राध ग्राम है, ये अभिर्ण ये वृंदावन धाम, अभिर नहीं है वृंदावन धाम होने का नाते, यहाँ पर जब हम आए अब देखना कि नदी वो कौन सा नदी? बोली यमुना है, ये श्री यमुना नदी है, इसलिए वही यमुना हम पांच एक कदम खंडी है, वहीं से ही अभी हम एक मंदिर में जाएंगे जिसका नाम बांके राय। इसलिए जब श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? बलदेव प्रभु है, ये विष्णु तत्व है, भगवान कभी मरते नहीं, जैसे श्री कृष्ण चंद्र लास्ट में श्री कहां पर, ये श्री चैतन्य महाप्रभु लास्ट में तोटा गोपीनाथ में ही समाये, उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु अभी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। नित्यानंद प्रभु एक बांकराय मंदिर है और जमुना नदी से ही प्रकट हुए ठाकुर जी, लास्ट में उनको शरीर में ही नित्यानंद प्रभु ने वहीं पर प्रवेश कर गए थे है? और वहीं पर उसको पास में देखेंगे एक मुरलीधर ठाकुर जी, कहते मुरलीधर कौन है? अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जिस समय एक सन्यासी आए, सन्यासी का नाम क्या है? लक्ष्मीपति। जब सन्यासी आए और हराई पंडित को बोले तुम्हारे बेटे को हम तीर्थ यात्रा कराने ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा क्यों? कारण क्या है? कारण है ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है, जब तक इनकी चरण कहीं नहीं पड़ता है तब तक वो राज्य की कल्याण नहीं है, उनके देश की कल्याण नहीं होता है, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु को हर देश देश में ले जाकर के उन्होंने हर देश को उन्होंने पवित्र करवाए। लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु तो इनके प्राण है, अभी नित्यानंद प्रभु को छोड़ेंगे कैसे? वो बड़े दुखी हो रहे थे, उन्होंने सोचा जैसे श्री विश्वामित्र जी आए राम लक्ष्मण को लेकर गए, अगर मैं नहीं दूंगा तो अपराध, नहीं तो पाप लगेगा, अभिशाप दे सकते हैं, उसी समय वो जो लक्ष्मी तीर्थ थे उनको पास में एक सुंदर गोपाल जी का विग्रह था जिसका नाम था मुरलीधर, तब उन्होंने लक्ष्मीपति ने कहा देखो ये ठाकुर मैं तुमको देकर के जा रहा हूं, जब जब तुमको नित्यानंद प्रभु का विरह आएगा ये ठाकुर का दर्शन करोगे ना तुमको साक्षात नित्यानंद प्रभु से विग्रह में दर्शन करने मिलेगा, इसलिए अभी हम उसी मंदिर में जाएंगे, हम देखेंगे वहां पर श्री मुरलीधर ठाकुर जी वहां पर भी है, वही ठाकुर है जो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको दे करके गए थे। अभी जहां पर हमें बैठा अभी नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान में जाएंगे, वहां पर एक है वृक्ष है जिसको कहते हैं माला तला। माला तला मतलब है जब श्री लक्ष्मी तीर्थपति श्री नित्यानंद प्रभु को लेकर के चले गए, अभी हराई पंडित दिन भर नित्यानंद प्रभु का विरह में दिन भर रोते थे, इसलिए माला तला मतलब जी माला जब करते हैं हराई पंडित माला जब करते थे,
लेकिन अभी नित्यानंद गुरु का विरह में उनका और माला जब नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने माला को क्या किया, उसे वृक्ष में उन्होंने लटका कर रख दिया, इसलिए वो वृक्ष का नाम पड़ गया माला तला। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक तालाब देखो, पास में तालाब है, ये इसी तालाब में नित्यानंद प्रभु, अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जैसे ये बचपन में जो जो उन्होंने लीला करते थे सबके सब, क्यों ये स्वयं श्री बलदेव प्रभु लक्ष्मण है, उन्होंने सारे कृष्ण लीला और राम लीला की सबके सब अनुकरण करते थे, जैसे बच्चे खेलते हैं कृष्ण लीला और राम लीला खेलते थे, इसी वृक्ष के ऊपर में नित्यानंद गुरु चढ़ते थे, इसलिए महाराज बता रहे थे ना हम यहाँ पर बैठे, क्यों यहीं पर नित्यानंद गुरु अपना ग्वाल वालों को साथ में, महाप्रभु परिकरों को साथ में इसी वृक्ष को नीचे यहीं पर खेलते थे, यहीं पर दही चिड़वा को भी उन्होंने खाए, यहीं पर दही चिड़ा यहीं पर लाकर कभी खाए उन्होंने, इसी वृक्ष को नीचे समझो, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनका सारे सखाओं का ये धूल पड़ा हुआ है, सारी इनकी धूल पड़ी हुई है, अगर ये धूल का टच हो जाए ना हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे सारे अनर्थ हमारी दूर हो जाएगी, इसलिए इतने वृक्ष के ऊपर नित्यानंद प्रभु चढ़ते थे। और देखो वो जो तालाब है, जैसे कृष्णा कदम वृक्ष को नीचे ऊपर चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाया था, कहां पर उन्होंने काली अध्यात में इसी वृक्ष के ऊपर नित्यानंद गुरु चढ़ करके, देखो तालाब है, इसी तालाब में हाँ काली अध्याय लीला उन्होंने इसी तालाब में की है नित्यानंद प्रभु, इसलिए इसका वृक्ष का कौन सा वृक्ष है, ये बकुल वृक्ष है, ये वृक्ष बकुल वृक्ष है, उनको ये लीला स्थल श्री नित्यानंद प्रभु का, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु कहते ये कौन सा कितने कौन सा, जैसे श्री बलदेव प्रभु कृष्ण जैसे ये वृंदावन छोड़कर कृष्ण कभी नहीं जाते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम् न गच्छामि, कहते उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु भी कहते उनका जो माता का नाम क्या था, पद्मावती देवी है, माता रोहिणी ही पद्मावती रूप में आई है माता रोहिणी, इसलिए उनकी गर्भ से ये जन्म ग्रहण किए हैं, इसलिए कहते जब तक श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा, इसलिए श्री कृष्ण श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं है ना निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाए नाही, निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण प्रापे, इनकी कृपा से ही ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति इनकी कृपा से होते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु इतने दयालु इतने दयालु, इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमार मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमार मन, नाचे रे अमार मन, नाचे रे अमार मन, हे मन दयाल त नाही है मार के प्रेम दे, अपराध दूर जावे भावे प्रेम कर, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे रे अमार मन, इसलिए कहते हैं कहते नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर मेरा मन नाच उठे, बोले क्यों, बोले आपने कभी देखा जैसे रामलीला में रावण थोड़ी सी कुछ किया था लंका समेत राम ने खत्म कर दिया, कंस ने कुछ किया था पूरा खत्म, लेकिन देखो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कितने दयालु, इनकी नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया माताई, लेकिन वो कहते हैं मेरे छी कल सिर काना ताई बोली की प्रेम दीवना, भले ही तुमने सर फोड़ दिया इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा, एक बार बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, बोले श्री इसलिए केवल कहते केवल मेरे प्रभु का नाम लेते ही क्या करते हैं वो प्रेम प्रदान कर देते हैं, इसलिए जगाई माधाई कितने बड़े पियकड़ थे, कितने बड़े उनको नाम सुन करके, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट और पुरी सिर कीट है ते मुई से लगिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है मोर नाम सुने जय तार पुण्य खाए, एमन निर्घिन्न मोर केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत, कितने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु को दयालु तो वर्णना, नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है, कहते जगाई माताई है ते मुई से पापिष्ट, उन्होंने उदाहरण किसका दिया, बोले जगाई माताई का, बोले क्यों इनके उदाहरण क्यों दिया, कहते वो इतने पाप करते थे, जब जमदूत जा करके चित्रगुप्त को बोलते थे, चित्रगुप्त क्या है सारे पाप को जो लिखने वाले, लिखते लिखते पूरा भंडार भर गया पूरा,
जब रोज रोज कभी कभी चित्रगुप्त को इतने क्रोध आ जाता था, बोले कभी दो व्यक्ति इतने पाप कर सकते हैं, रोज बोलता हूँ इतना पाप कोई कर सकते हैं, और मारने के लिए दौड़ते थे। बोले हे भगवान, इनकी उधार कैसे होगा, कितने कल्प तक उनको करोड़ों जन्म तक कीड़े बन करके नरक भोगना पड़ेगा, इनको कितने पापी थे। लेकिन जब श्री नित्यानंद प्रभु हैं, जब श्री नित्यानंद प्रभु इनकी कृपा की, इनकी सर भी फोड़ दिए, महाप्रभु चक्र चक्र बोलो करके चक्र को उन्होंने आह्वान की, इतने में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में पड़ गए। बोले प्रभु आपने प्रतिज्ञा किए है इसी अवतार में, कहते एपे अस्त्र नाधरी बे प्राणे कार्य नामारी बे, आपने बताया ना इसी अवतार में अस्त्र धारण नहीं करोगे, इसको जान से नहीं, आपने प्रतिज्ञा किया ना, अरे चक्र क्यों बुला रहे हो, आपका महिमा जगत में कैसे प्रकाश होगा, इसलिए प्रभु अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो ये दोनों को माफ कर दो। जब महा नित्यानंद प्रभु ऐसे बोले, चक्र साक्षात आ गया था, जगाई माता ने देखा चक्र स्वयं प्रकट हो गए, है चक्र स्वयं प्रकट हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो माफी मांगे, बोले ठीक है जाओ नित्यानंद प्रभु के चरण में माफी मांगो, नित्यानंद प्रभु चरणों को माफी मांगे तो बस महाप्रभु सारे अपराध को नित्यानंद प्रभु ने सारे अपराध को उन्होंने दूर कर दिए, और दूर करके उनको हृदय में उन्होंने गौरव प्रेम उनको प्रदान की। इसलिए यहाँ कहते जगाई माताई है मुई से पापिष्ट, कहते मैं कितने बड़ा, बोले इनसे भी ज्यादा गया बिता हूँ, पूरी से मतलब होता है विष्ठा की जो कीड़े से भी मेरा जता गया बिता हूँ, और मेरे पाप माफ लेने पर तुम्हारी पुण्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी पाप होगी, लेकिन इतने बड़े जो निर्घिन्न मतलब निकृष्ट व्यक्ति को अगत जगत में कोई कृपा कर सकता है, कौन कर सकता है, बोले एक नित्यानंद बिना जगत में आचारी श्री नित्यानंद प्रभु का सिवाय और कोई भी ये अधर्म को पर में कृपा करने वाले जगत में कोई नहीं। इसलिए श्री लोतन दास ठाकुर कहते हैं, बोले अवध करुणा सिंधु काटिया मुहान, हरे हरे बोले प्रेम आमियार बान, लोचन बोले मोर नीताई जे बना बजेला, जानिया सुनिया से आत्मघाती रही। इसलिए लोचन दास कहते नित्यानंद प्रभु का क्या विशेषत्व है, आबद करुणा सिंधु काटिया मान, समझ रहे हो बंगला, मतलब है जैसे यहाँ पर एक बाग है और एक तरफ में पानी 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 और एक तरफ में सूखा सूखा है, अगर उसको काट दो तो क्या होगा बताओ, तो इतने तेजी से पानी आएगी, इतने तेजी से सामने किसी चीज को देखेगा नहीं, जो आएगा उसको बहाते हुए डुबाते हुए ले जाएगी। वो उदाहरण देते हैं ये आवध करुणा सिंधु, करुणा का जो सिंधु महाप्रभु का जो प्रेम वो एक तरफ में था, एक बांध थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो बांध को उन्होंने काट दी, काट दिया तो क्या हुआ, इतने तेजी से ये बाढ़ आई, बोले कहां से बाढ़ आई, बोले नवद्वीप से वो बाढ़ आई, वो बढ़ते 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 इतने दूर तक गया दिल्ली तक भी चला गया, और दिल्ली तक और बड़ौदा तक भी चला गया, अमेरिका तक भी चला गया, अम्बाला तक भी चला गया, और श्री यूरोप तक भी चला गया, और बेटर रोटरडम तक भी चली गई, और कहां पर चली गई, रशिया तक भी चली गई, और कहां चली गई, कहां तक, फ्रांस तक भी चली गई, और चली गई कहां तक, चली गई कहां तक, ह्यूस्टन तक चली गई, फरीदाबाद चली गई, बेंगलोर तक चली गई, और सबके उन्होंने किसको छोड़ा ही नहीं, वो बाढ़, लेकिन एक काटा किसने, बोले श्री नित्यानंद प्रभु, किसने काटा, श्री नित्यानंद प्रभु वो बांध को काटते, उड़ीसा तक भी चला गया, उड़ीसा के सिक्किम तक भी चली गई, बोले कहां तक गई नहीं, वो सारा दुनिया तक वो प्रेम चली गई, और सबके सब वो प्रेम में सबके सब डूब करके नहा लिया सबके सब। इसलिए नित्यानंद प्रभु का तो देखो, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बारंबार घर छोड़कर चले जाते थे, लेकिन उनको पिताजी बारंबार पकड़ करके ले आते थे, जब महा नित्यानंद प्रभु से मिले, बोले चोर तू मेरे संपत्ति, क्योंकि राधा कृष्ण किसके संपत्ति है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु का संपत्ति है, निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इनकी कृपा से मिलेगी। बोले बिना बोले मेरे धन को चोरी करना चाहता हूँ, मतलब क्या, तू डायरेक्ट महाप्रभु के पास जाना चाहता हूँ, नहीं प्राप्त नहीं कर सकते तो मैं दंड दूंगा, बोले क्या दंड दोगे, बोले मेरे भक्तों को छिड़ा दे महोत्सव करा, हैं देखो यही पर नित्यानंद प्रभु ना, ये इसी वृक्ष
हाथों को नीचे उन्होंने चिड़ा दही महोत्सव किया है। अभी वहां से हांटू हरा महाराज बोल रहे थे ना, उन्होंने हांटू मतलब होता है ये नेक, क्या बोलते उसको, घुटना, घुटना गाड़ा, मतलब उन्होंने गाड़ दिया तो वहां पर सुंदर कुंड प्रकट हो गया और सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हो गए, इसलिए उसका स्थान का नाम है हांटू गाड़ा। यहाँ पर है वो हांटू गाड़ा है, यहाँ पर स्थान का नाम है। इसलिए कल दंड दो, देखो भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है, किस चीज के बोले भंडारा, वैष्णव जगत में दंड मतलब शाही पनीर।